कम्युनिकेशन का तذکرہ तो हर कोई करता है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स की अहमियत के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा हुनर जो जिंदगी के रिश्तों को मजबूत बनाता है, लेकिन अगर जिंदगी के गुजरते सालों में इस फन पर महारत ना पाई जाए तो ये रिश्तों में खामोशी की लकीर डालकर दूरियों के समंदर मोहित कर देता है। ऐसा कह लें कि कम्युनिकेशन स्किल्स रिश्तों में ऑक्सीजन की वैल्यू रखता है। रिलेशनशिप के टूटने की बहुत सी वजूहात की जड़ कम्युनिकेशन के नाम पर सिर्फ खानापुरी है। मोबाइल मैसेजेस के रिप्लाई पर एमोजीज, व्हाट्सएप मैसेज, रिकॉर्ड मैसेजेस, डिलीट, फॉरवर्ड मैसेजेस कम्युनिकेशन गैप की बहुत बड़ी वजह है। अपनी फीलिंग्स को दूसरे के सामने एक्सप्रेस कर पाना ज़रूरी है। इस बात को समझना ज़रूरी है कि एक दूसरे के लिए सिर्फ एक्शंस में ही केयरिंग होना काफ़ी नहीं है, बल्कि लफ्ज़ों के इजहार से भी बयान करना ज़रूरी है। दूसरा आपकी ज़िंदगी में कितनी अहमियत का हामिल है, इसको बोलकर बताना कई मर्तबा किसी इंसान की रूह का सुकून होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स प्यार और इमोशनल बॉन्डिंग में एक दूसरे को समझने का काम करती है। किसी इंसान से फेस टू फेस अपनी फीलिंग्स शेयर करना ज़रूरी है। जब रिश्तों में खामोशी हायल होने लगे तो रिश्तों में दूरी होने लगती है और खामोशी के बहुत से मतलब होते हैं, जो सामने वाला खामोश रहकर खुद ही अपने तौर पर अखज़ कर लेता है। कई मर्तबा तो माइंडसेट ही ऐसा होता है कि बहुत धड़ल्ले से कहा जाता है कि हम दूसरे से क्यों बात करें, उसको करनी होगी तो वो कर लेगा। एक्सप्रेस करना नहायत अहमियत रखता है। कई मर्तबा हम समझते हैं कि किसी दूसरे को उसकी अहमियत का एहसास दिलाना उसे सर चढ़ाने के मुतरादिफ है। जैसे जिस्म को ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है ना, इसी तरह रूह को ज़िंदा रहने के लिए फीलिंग्स की ज़रूरत होती है। एक्सप्रेस किया करें, कम्युनिकेशन स्किल्स के फ़न में महारत पाएं।